सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल जिस चैनल को और उसके बाद प्रेस कीजिए इस बेल को ताकि फ्रेंड्स आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाय दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जादू सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल जीएस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अमेजन का मर्चेंट अकाउंट कैसे बना सकते हो। जी हां दोस्तों, वो भी लाइव। एंड उसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऑफर एंड अपडेट्स के बारे में भी बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों आप बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को शायद पता होगा कि अमेजन ने अपने मर्चेंट यूज़र के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर लॉन्च कर दिया है जिसमें दोस्तों आप लोग पर वीक 500 रुपीज़ तक अर्निंग कर सकते हो। इस ऑफर में दोस्तों आपको करना क्या होता है कि अगर आपके पास एक अमेजन का मर्चेंट अकाउंट होता है और आप अपने मर्चेंट अकाउंट पर 10 अलग अलग अमेजन यूज़र से मिनिमम 1000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा का मनी रिसीव करते हो, मतलब कि एक्सेप्ट करते हो, तो यहाँ पर दोस्तों पर वीक आपको 500 रुपीज़ तक कैशबैक मिल सकता है। और अगर आप सिर्फ 5 अलग अलग यूज़र से 1000 रुपीज़ करके रिसीव करते हो तो यहाँ पर आपको 125 रुपीज़ का कैशबैक मिल सकता है। तो ऑफर काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप लोग इस ऑफर को अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास एक अमेजन का मर्चेंट अकाउंट होना चाहिए। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अमेजन का मर्चेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि अमेजन का मर्चेंट अकाउंट बनाने के लिए आपको अमेजन एजेंट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी मर्चेंट अकाउंट बन पाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों की सुविधा के लिए एक एजेंट ढूंढ कर लाया हूँ, मतलब कि दोस्तों ऐसा एक बंदे आपके लिए लाया हूँ जिसमें दोस्तों आपको सिर्फ उस बंदे को 20 रुपीज़ देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ उनको 20 रुपीज़ देना है और उसके बदले वो आपको एक अमेजन का मर्चेंट अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करके दे देगा। देखिए दोस्तों अमेजन का मर्चेंट अकाउंट फ्री में बनाने के लिए अभी कोई भी एजेंट तैयार नहीं है क्योंकि इसका डिमांड बहुत है। इसीलिए दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक अमेजन का मर्चेंट अकाउंट हो तो आप 20 रुपीज़ उस बंदे को देकर एक मर्चेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। उस बंदे के साथ मेरा डील हुआ है, ठीक है ना, कि आप लोगों के पास से 20 रुपीज़ से एक भी पैसा ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। इसलिए आप 20 रुपीज़ से ज़्यादा एक भी पैसा उनको मत देना, ठीक है ना। और मैं आपको इस वीडियो में फुल प्रोसेस दिखा देता हूँ कि आपको करना क्या होगा ये मर्चेंट अकाउंट बनाने के लिए, आप ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पर आप लोग एक बात समझ लीजिए कि अगर आप अमेजन का इस ऑफर, मतलब कि मर्चेंट वाला जो ये ऑफर है, अगर आप इस ऑफर को अप्लाई कर सकते हो, लूट सकते हो, तभी आप मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सभी लोग मर्चेंट अकाउंट क्रिएट कर रहा है तो आप लोग भी करो, ठीक है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कोई 5 या 10 बंदे हैं जिसमें से आप 1000 रुपीज़ करके पेमेंट रिसीव कर सकते हो तभी आप मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करना क्योंकि इसमें आपका लाभ होगा, कैशबैक मिलेगा, ठीक है ना। बाकी ऐसे पैसे देकर मर्चेंट अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऑफर को अप्लाई कर सकते हो तभी बनाना। तो चलिए दोस्तों मैं आपको स्टेप बता देता हूं कि एक्चुअली आपको करना क्या होता है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि उस बंदे का व्हाट्सअप नंबर मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो सबसे पहले जाके आप उनको व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है ना। आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइप करना है कि रेफर्ड बाय टेक्निकल जेएस, ताकि उनको समझ में आ जाए कि आप टेक्निकल जेएस चैनल के माध्यम से उनके पास पहुंचे हो। तो आपके पास से 20 रुपीज़ लेगा, अगर कोई दूसरा होगा तो आपके पास से 30 रुपीज़ ले लेगा, ठीक है ना। इसलिए आप सबसे पहले ये टाइप कीजिए। इसके बाद दोस्तों उनको आपको कुछ डिटेल्स देना है। सबसे पहले दोस्तों आपका नाम, इसके बाद आपके अमेजन पे जो नंबर रजिस्टर्ड है वो नंबर, इसके बाद दोस्तों आपका शॉप का नाम क्या होगा, मतलब कि मर्चेंट का नाम क्या होगा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एड्रेस एंड आपका पिन कोड, ये सभी कुछ सही से आपको देना है उनको। इसके बाद दोस्तों देने के बाद क्या होगा, वो आपको एक इस टाइप का QR कोड देगा, देख सकते हो इस टाइप का QR कोड। मिलने के बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है अपने अमेजन के अकाउंट पे, इसके बाद स्कैन एंड पे वाले ऑप्शन पे जाके इसी QR कोड को आपको इस तरह से स्कैन करना है, ठीक है ना। जैसे ही आप स्कैन करोगे यहाँ पर आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको बोला जाएगा साइन अप एज ए मर्चेंट, इसके बाद नीचे देखिए आपको रजिस्टर का बटन मिलेगा, आपको सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना बिजनेस डिटेल्स फिलअप करना होगा, जैसे कि उनको अपने व्हाट्सअप पे जो भी आपने डिटेल्स दिया था वही डिटेल्स यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जैसे कि सबसे पहले आपका नाम, अपना बिजनेस का नाम क्या होगा, कौन सा कैटेगरी होगा, कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एड्रेस, पिन कोड सब कुछ वगैरह सही से डाल के आपको सबमिट करना होगा जो भी आपने व्हाट्सअप पर दिया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने अमेजन पे जितने भी ट्रांजैक्शन किया है सभी ट्रांजैक्शन आपके पास शो करेगा। एंड इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अमेजन की तरफ से आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें आपको बोला जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, डेयर मर्चेंट वेलकम टू अमेजन पे, गेट ₹125 वीकली बाय एक्सेप्टिंग ट्रांजेक्शन वर्थ ₹1000 फ्रॉम 5 यूनिक कस्टमर्स, ठीक है ना। मतलब कि ऑफर के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद दोस्तों उस बंदे को आपको बोलना है कि आपके पास मैसेज आ चुका है। इसके बाद वो आपको एक UPI ID क्रिएट करेगा, कुछ इस टाइप से देख सकते हो कि अमेजन कुछ संख्या, ठीक है ना, इस टाइप का एक UPI ID क्रिएट करेगा, देगा आपको। आपको सिंपली उस ID को लेना है और इसके बाद आपके अमेजन के अकाउंट पर जाना है। अमेजन के अकाउंट पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप भीम UPI वाले सेक्शन पर आ जाइए, नीचे देखिए अमेजन पे भीम UPI आपको मिल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिए ऊपर आपको क्रिएट न्यू UPI ID का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद दोस्तों वो जो आपको ID दिया गया है
वो यहाँ पर डाल दीजिए, मतलब कि पेस्ट कर दीजिए। और इसके बाद दोस्तों आप क्रिएट यूपीआई आईडी पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं यूपीआई आईडी डाल के इसे क्रिएट यूपीआई आईडी पे क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट यूपीआई आईडी पे क्लिक करने के साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक न्यू यूपीआई आईडी क्रिएट हो जाएगा, जो कि आपका मर्चेंट का यूपीआई आईडी होगा, ठीक है ना। और इस यूपीआई आईडी पे जो आपका क्यूआर कोड होगा वही आपका मर्चेंट का क्यूआर कोड होगा। अगर आप नीचे स्लाइड करोगे तो नीचे आपको शो योर क्यूआर कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो इस यूपीआई आईडी पे जो भी आपका क्यूआर कोड यहाँ पर दिखाई देगा यही आपका मर्चेंट का क्यूआर कोड है। इसी क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको 5 अलग अलग यूजर से पेमेंट एक्सेप्ट करना होगा, 1000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा, या फिर 10 अलग अलग यूजर से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला अपडेट्स यहाँ पर दोस्तों है फ्लिपकार्ट की तरफ से, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इसमें दोस्तों अभी आप फ्लिपकार्ट अकाउंट को प्लस अकाउंट पे कन्वर्ट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ 30 फ्लिपकार्ट प्लस कॉइन्स है तो आप अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट को प्लस अकाउंट पे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों ऊपर देख सकते हो कि फ्लिपकार्ट का ये अकाउंट मेरा प्लस अकाउंट नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, तो सिंपली आपको जाना है ऊपर थ्री लाइन पे जाने के बाद माई अकाउंट पे आ जाइए। माई अकाउंट पे आने के बाद अगर आपके पास प्लस कॉइन्स था तो वो ऑटोमेटिक सुपर कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 प्लस कॉइन्स इज इक्वल टू 10 सुपर कॉइन्स। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर जाना है। जाने के बाद दोस्तों नीचे देखिए, यहाँ पर आपको ज्वाइन फ्लिपकार्ट प्लस टू एबल एग्जिटिंग बेनिफिट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपली आपको ज्वाइन के नाउ के बटन पे क्लिक करना होगा। ये आपको तभी शो करेगा जब आपके पास मिनिमम 30 फ्लिपकार्ट प्लस कॉइन्स होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन, मेरा अकाउंट जो है वो फ्लिपकार्ट प्लस अकाउंट पे बन चुका है। और इसके बाद जितने भी बेनिफिट्स एक फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर उठा सकता है, आप सभी लोग उस बेनिफिट्स का फायदा यहाँ पर उठा सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अभी फ्लिपकार्ट प्लस कॉइन्स कन्वर्ट होकर फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन्स हो चुका है। और फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन्स के बारे में दोस्तों पूरा जानकारी आपको 12 जुलाई के बाद मिलेगा, ठीक है ना। सभी अपडेट्स जो है वो 12 जुलाई के बाद होगा। फिर भी यहाँ से आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो, जैसे कि अगर आप 100 रुपीज़ या उससे ज़्यादा का फ्लिपकार्ट से सामान बाय करते हो तो यहाँ पर आपको 4 सुपर कॉइन्स दिया जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट डिलीवरी, इजीली एक्सेस, इसके बाद कस्टमर सपोर्ट, अर्न एंड एक्सचेंजिंग कॉइन्स फॉर रिवार्ड, बहुत सारे यहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिल जाता है। उसी के साथ दोस्तों ये जो सुपर कॉइन्स आपके पास होगा उसको देकर आप फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर भी बाय कर पाओगे, यहाँ पर फ्री में शॉपिंग कर पाओगे कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट को। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ प्रीमियम पैकेज भी फ्री में मिल सकता है, जैसे कि हॉटस्टार प्रीमियम, ठीक है ना, और भी बहुत सारे। तो सुपर कॉइन्स के बारे में फुल जानकारी मैं आपको 12 जुलाई के बाद दे पाऊंगा, क्योंकि 12 जुलाई के बाद ही वो अपडेट होगा। और यहाँ पर देखिए ये मेरा अकाउंट फ्लिपकार्ट प्लस अकाउंट पे बदल चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग भी जाके कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको लोगों को बता दूँ कि पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन पे जितने भी प्रॉब्लम था, जैसे कि आप अपने पेटीएम ऐप मतलब कि वॉलेट से बिजनेस एप्लीकेशन पे पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, पेटीएम मर्चेंट पे पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो दोस्तों ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। मेरे पास दोस्तों 2 मर्चेंट अकाउंट था और दोनों मर्चेंट अकाउंट ही ऐसे कुछ प्रॉब्लम शो कर रहा था, लेकिन आज जब मैंने दोनों ही अकाउंट को अपडेट किया, अपडेट के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर मैं पे करने के लिए जाता हूँ और यहाँ पर स्कैन करता हूँ, तो स्कैन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि पेटीएम वॉलेट बैलेंस से भी मैं यहाँ पर पेमेंट कर सकता हूँ। 10 रुपीज़ डाल के अगर मैं पे करता हूँ तो ये सक्सेसफुली पे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आपके पेटीएम मर्चेंट के यहाँ पर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम था, तो सबसे पहले आप पेटीएम मर्चेंट एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए, और अपडेट करने के बाद दोस्तों शायद सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर शो करे, मतलब कि आपका पेमेंट अगर पेटीएम वॉलेट से ना हो, तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिसके मदद से आपका मर्चेंट भी पहले जैसे ही वर्क करेगा। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, ऊपर 3 लाइन पे जाना पड़ेगा पेटीएम मर्चेंट पे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए बिजनेस प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली जाना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले नेम दिख रहा है ना, इस डिस्प्ले नेम को सिर्फ चेंज कर दीजिए, मतलब कि ये जो आपका नेम है उसे सिर्फ कोई भी नाम यहाँ पर चेंज कर दीजिए। तो अगर आपका पेटीएम वॉलेट से पेमेंट नहीं हो रहा था तो पेटीएम वॉलेट से सक्सेसफुली पेमेंट होगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों फटाफट से मैं आपको पेटीएम का एक अकाउंट स्पेसिफिक प्रोमो कोड के बारे में बता देता हूँ, जो कि दोस्तों अगर आपका लक अच्छा होता है तो आपका अकाउंट पर अप्लाई हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप मोबाइल रिचार्ज बिल सेक्शन पर आ जाइए। इसके बाद दोस्तों आप वही नंबर सेलेक्ट कीजिए, वही नंबर पर रिचार्ज कीजिए जिस नंबर पर आपका पेटीएम अकाउंट है। यहाँ पर दोस्तों अमाउंट पर मिनिमम 35 रुपीज़ या उससे ज़्यादा का आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोमो कोड पर डालना है free35। जी हाँ दोस्तों, आपको डालना है free35। अगर आपके अकाउंट पे ये प्रोमो कोड अप्लाई होता है तो यहाँ पर आपको 35 रुपीज़ का रिचार्ज बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। जैसे कि ये प्रोमो कोड मेरे अकाउंट पे एप्लीकेबल नहीं है, और मेरे पास लगभग 4 अकाउंट है, किसी भी अकाउंट पे ये प्रोमो कोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एक्टिव है, ठीक है। आप एक बार ट्राई कर सकते हो, अगर अप्लाई हो जाता है तो आप रिचार्ज कर लेना, आपको 35 रुपीज़ का रिचार्ज में 35 रुपीज़ का ही कैशबैक मिल जाएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स ऑफ कोर्स वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर।